मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और साथ ही साथ एक ऐसे उद्योग का ठिकाना जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी हां, बॉलीवुड। बॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में मशहूर हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड के अभिनेता विश्व के कोने कोने में जाने जाते हैं। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन और विलन के अलावा एक और किरदार है जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती हैं, वो जो दर्शकों को हंसाता है या फिर अपनी भोली भाली बातों से रुलाता भी है। जी हाँ, बात चल रही है कॉमेडियन की। महमूद जगदीप और केशव मुखर्जी से लेकर पेंटल असरानी और कादर खान ने ये किरदार बड़ा खूब निभाया है, लेकिन सही मायने में पिछले दो दशक से एक ही है जो कॉमेडियन के किरदार में छाया हुआ है, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर को बॉलीवुड का किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। मैं लोगों को हंसाता था, मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। दौलत शौहरत नाम होने से इंसान खुश होगा ये जरूरी नहीं है। जब ये सारी चीजें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं होता। मेरी जिंदगी में यही होता रहा। वो क्या है जिसने जॉनी लीवर की शांति को भंग कर दिया? वो जिसके चेहरे को देखते ही लोगों की आंखें चमक उठती हैं, हंसी के फुहारे फूटते हैं, उसके जीवन में ऐसा क्या घटा कि उसकी खुद की हंसी छिन गई? मैं जॉनी लीवर, मेरा असली नाम जॉन राव है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। मैं मुंबई में धारावी माटुंगा लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी हमने, मगर हंसी और खुशी में। हम लोग स्लम्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था, और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह लेकर के, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। घर पूरा पानी से भरा हुआ था और मैं ऊपर खटिए पे खड़ा होकर के छोटा सा बर्तन लेके उनके ऊपर से पानी टपकते रहता था, तो वो पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, खावा का बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। तो छोटे से कटोरे में पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कैसे कैसे कैसे। तो इन्हीं हरकतों से कॉमेडी डांस मेरे अंदर से निकला बाहर, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एक्टिंग क्लास में तो नहीं गया। तुमने गॉडफादर का नाम सुना है? वो मैं नहीं हूँ। गॉडफादर पार्ट टू का नाम सुना है? मैं वो भी नहीं हूँ। देखा जाए तो मेरा जो एरिया था किंग सर्कल, वो एक इंडिया के मैप की तरह था। हर तरह के, हर किस्म के लोग वहाँ थे, अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग थे, और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़े एंजॉय करते थे, डांस वांस के प्रोग्राम्स किया करता था। ये करते 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 17 साल का हुआ, तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी की यहाँ नौकरी पर लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की, तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था, तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। फिल्मों में मुझे जो ब्रेक मिला है वो 1980 में मैं कल्याणजी भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याणजी भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ, इसको ले जाओ। तो पहला ब्रेक मुझे चेन्नई जाके उस फिल्म में मैंने काम किया था। बहुत डरा हुआ था, मैं पहली बार कैमरा फेस करने जा रहा था, और इतना डर था कि मैं रात भर सो नहीं पाया, बुखार आ गया। और नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे था तो मैं ट्रेन पकड़ के
भागने की सोच रहा था और मैंने किसी तरह रुक के वहाँ काम किया। उस फिल्म का नाम था ये रिश्ता न टूटे। फिल्म का नाम ये रिश्ता न टूटे और नाम तो ऐसे ही कुछ था लेकिन आज तक रिश्ता ऐसे ही टाइट है। वहाँ से करते 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 शोज भी कर रहा हूँ, कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ और वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका, इधर उधर, पूरी दुनिया में घूमने का मौका मुझे मिला। गरीबी के झोपड़े को पीछे छोड़ जॉनी लीवर अमीरी के महलों में बस गए। सफलता, दौलत और शोहरत उनके कदमों को चूमने लगी। इंसान को अपनी पिछली जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भूल गया कि मैं हिंदुस्तान में एक मजदूर था। हर एक का दिमाग खराब होता है, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। मुझे याद है मैं शोज के लिए एसटी बसों में सफ़र करता था, थर्ड क्लास डिब्बे में मैं सफ़र करता था विदाउट रिजर्वेशन। अब उसके बाद जब आप फ्लाइट में उड़ने लगते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मैं घंटों सफ़र करता था, 36 घंटे 40 घंटे मुंबई टू दिल्ली। अब पौने दो घंटे में आप दिल्ली जा रहे हैं फ्लाइट में, पौने दो घंटे और 36 घंटे बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए ये पौने दो घंटे की फ्लाइट भी आधा घंटा लेट होता है तो हम बोलते हैं यार फ्लाइट डिले है, यार वेरी बैड, क्या एयरलाइंस है, वेरी डिले है, लेट है। हम ऐसी बात करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि 36 घंटे, कभी गाड़ी कहीं रुक गई तो 45 घंटे। और यहाँ 5-star, 7-star होटलों में रहते हैं, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में आप सफ़र करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हम तकलीफ़ों से उठे थे अब अचानक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और पिछली ज़िंदगी आप भूल जाते हैं। अब जब आप शोहरत में होते हैं, सक्सेस आपको मिलती है तो आप अपने भूतकाल को, पास्ट को भूल जाते हैं। क्या दौलत और शोहरत ही सब कुछ है? क्या सफलता हासिल करने से हमें शांति मिल सकती है? जब आपके पास सक्सेस, आपको सक्सेस मिलती है, पैसे आपके पास होते हैं, एक अच्छा घर होता है आपके पास, जब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं। मैं बहुत शराब पीने लगा था, शराब मैं 1.5 बोतल पीता था। यहाँ से हम अमेरिका जब मुझे जाना होता था तो उस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, वाया लंदन जाना पड़ता था। 18-20 घंटे का सफ़र होता था। अब 20 घंटे के सफ़र में आपको तो बहुत ही बोर होना है, दो घंटे की फ़्लाइट आपको भारी पड़ता है तो 20-22 घंटे की फ़्लाइट जो है वो आपको तो बहुत तकलीफ़ देगी। तो फोकट की दारू मिलती थी, एयरहोस्टेस आती थी हमारी, दारू लेके आ जाती थी। जब मैं शराब पीता था मेरी बीवी बहुत मुझसे नाराज़ होती थी, गुस्सा होती थी, झगड़ा होता था, वो मुझे शराब के लिए मना करती थी, मुझे गुस्सा आता था। मुझे और किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था, शराब के लिए मत बोलूँ, मैं बचपन से मेहनत करके अपने आप में मैं खड़ा हूँ, मेहनत करके कमा के अपने बलबूते पर खड़ा हूँ। मैं अपनी औरत को नाराज़ किया, अपने बच्चों को दुख दिया, अपने माँ बाप को दुख दिया। शराब में डूबे हुए कॉमेडी के बेताज बादशाह को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उससे कुछ ही कदम दूर थी। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर वो नसों में जकड़ा हुआ है, एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए वो पैरालाइज हो जाएगा। क्या जॉनी लीवर अपनी ताकत में चलते हुए अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर पाएंगे? मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे, अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा, मैं ट्यूमर निकाल दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से कोई आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूं तो मेरा बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है? तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करें थे? बोले
बाबू, बंद कर दो ऑपरेशन। तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। जॉनी के सामने अपने इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था, वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। 2 साल गुजर गए, पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए, ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए एकलौता बेटा है, इसके लिए जो जहाँ बोले वहाँ जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराना, बच्चा चला जाएगा। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा नहीं है। जब बाबा और तांत्रिक भी काम ना आए तो जॉनी ने खुद को असहाय पाया। क्या उनकी सारी दौलत और शोहरत उनके बच्चे को नहीं बचा सकती थी? बच्चे से मैंने कहा, देख बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये उसका काम है, मैं नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो जॉनी लीवर के बेटे को बचाएगी? मेरे बच्चे को हर प्रेयर मीटिंग में मिले जाते थे, कहीं से इसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे, ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। हमने कहा जी 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 जी, लेकिन 2 साल तक हमने देखा कुछ नहीं हुआ। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए, तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था, जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा ये ट्यूमर है, उन्होंने कहा इसको ले जाओ न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज़ ओनली हीलिंग, टेक हिम टू स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, इट्स ए गुड हॉस्पिटल, गॉड इज़ गोइंग टू हीलिंग, गॉड इज़ गोइंग टू हीलिंग। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज़ गोइंग टू हीलिंग, मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम मिल गया, इसको ले जाओ, गॉड इज़ गोइंग हीलिंग। वो बात मुझे टच कर गई। क्या हम हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था, क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है? क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को सुनता है? मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो, डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी वाइफ ने कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए, अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चों को अलाउ करूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन के लिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी वाइफ ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगी, और मुझे आवाज़ आई, जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बदन पूरा ऐसा चल चला, मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज़ आई मुझे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। तो मेरी वाइफ ने एग्री की, ठीक है। क्या जॉनी लीवर ने वाकई परमेश्वर की आवाज सुनी, या फिर ये उनके मन का वहम था? हम लोगों को डर था उसको पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, हम भी बहुत प्रार्थना में थे। अब सिर्फ हमने परमेश्वर पर विश्वास करके ये तय किया था
कि ऑपरेशन कर लिया जाए। अब ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था उसको पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला कि डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा कि आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है, इसको मैं ईजी नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। इतने बड़े चमत्कार का जॉनी के जीवन पर क्या असर हुआ? अब इसके लिए मुझे दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। वो सामर्थ जिसने जॉनी के बेटे को चंगा किया, क्या वही सामर्थ जॉनी को उनकी बुरी आदतों पर विजय दिला सकता है? तो मैंने सोचा कि भाई जिंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा इसको छोड़ दूँ। शराब मैं 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना ये। बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे, मैं नहीं हाथ लगाऊँ इसको। कोई कहता है कि वाइन तो पी सकते हैं, मैं वाइन भी नहीं पीऊँगा, मैं टच ही नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं पीऊँगा। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान थी मुझसे। मैंने उससे बहुत बार, एक बार नहीं, कई बार माफ़ी मांगी, क्योंकि बार बार याद आता था। जब भी याद आया माफ़ी मांगी, जब भी याद आया माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ बोलती है, अरे ख़त्म हो गया अभी, फिनिश, आप ऐसा मत कीजिए, अभी आपने इतना, आप में चेंज आ गया और आपने इतना कर दिया कि वो पूरा वसूल हो गया है। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है। 2002, आज 2013 है, 11 साल हुए हैं। बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के, शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज़्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है, आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। तो ये दौलत जो है, ये दौलत हर एक की ज़िंदगी में चाहिए। तो काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो। टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज़ करो या बुरी तरह से। तो मैंने क्यों ना, अच्छा काम क्यों ना करें, जब परमेश्वर की देन है तो अच्छा काम क्यों ना करें। तो अच्छे रोल्स आते हैं तो मैं करता हूँ, अच्छे शोज आते हैं मैं करता हूँ। फैमिली वाले जो बैठ के मुझे सुने, अच्छी बातें सुने, और जब भी वक्त मिलता है परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इतनी शांति मिलती है मुझे, मेरे परिवार में खुशी है, यहाँ तक का मेरी वाइफ सेवा करती हैं, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है। हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है। जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, मैं चाहता हूँ यही बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आए। आप भी परमेश्वर को जानें, कौन है सृष्टिकर्ता, वो एक है, वो कौन है। परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, उनके बेटे यीशु के नाम से आपका हाथ थाम लेगा। बदलने की शक्ति है। अगर आप बदलने की शक्ति को पाना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और मुफ्त किताब हासिल कीजिए।